भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी 5 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मैच भी आज भारतीय टीम ने जीत लिया। इसी के साथ भारत अब ये सीरीज में 3-0 से आगे हैं। मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था और एक समय पर उनका ये फैसला सही भी लग रहा था, क्योंकि वो सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर 150 से अधिक का स्कोर बना चुके थे। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने अगले 65 रन के अंदर ही 7 विकेट लेकर उन्हें ऑलआउट कर दिया। न्यूजीलैंड ने भारत को 244 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे भारतीय टीम ने 43 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर आसानी से हासिल कर लिया। मैच में भारत की ओर से सबसे बड़ी 62 रनों की पारी रोहित शर्मा ने खेली। रोहित ने 77 गेंदों में 62 रन बनाए और अपनी इस शानदार पारी के दौरान उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के भी जड़े। रोहित को सेंटनर ने स्टंप आउट करवाया। रोहित के साथ ही कप्तान कोहली ने भी इस मैच में बेहतरीन पारी खेलते हुए 74 गेंदों में 60 रन बनाए और 1 छक्का और 6 चौके भी लगाए। कोहली को बोल्ट ने हेनरी नेवल्स के हाथों कैच आउट करवाया। रोहित और कोहली के आउट होने के बाद राइडो और कार्तिक ने भारत के लिए बड़ी साझेदारी की और नाबाद रहते हुए भारत को जीत दिलाई। राइडो जहां 42 गेंदों में 40 रन बनाकर नाबाद लौटे, तो वहीं कार्तिक भी 38 गेंदों में 38 रन बनाकर नाबाद लौटे। इस मैच में 9 ओवर में 41 रन देकर 3 विकेट हासिल करने वाले मोहम्मद शमी को मैन ऑफ द मैच चुना गया था, लेकिन जब अवार्ड देने के दौरान उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो कप्तान विराट कोहली भी उनके साथ इंटरव्यू देने आए। इसका कारण ये था कि मोहम्मद शमी को अंग्रेजी बोलने में समस्या होती है, ऐसे में कोहली उनके सवालों को शमी के लिए हिंदी में ट्रांसलेट करने और शमी के जवाबों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की मंशा से वहाँ थे। दरअसल पहले मैच के दौरान जब मोहम्मद शमी को मैन ऑफ द मैच अवार्ड लेने के लिए बुलाया गया था तो शमी अंग्रेजी में जवाब नहीं दे पा रहे थे। बाद में उन्होंने कोहली को अपनी मदद के लिए बुलाया था, ऐसे में इस बार कोहली पहले से ही शमी के साथ मौजूद थे। हालांकि शमी ने इस बार अंग्रेजी में जवाब दिया और कोहली भी उनकी इस बात से बेहद खुश नजर आ रहे थे।